संगत जी, आई होप आई एम नॉट टू लाउड। मैं गुरु जी से आई गेस 2017 में कनेक्ट हुई थी। इट वॉज ड्यूरिंग माई पीरियड वेर आई वॉज नॉट वर्किंग एंड आई वॉज लुकिंग फॉर जॉब्स, एंड वन ऑफ माई नेबर हुज सिस्टर इन लॉ वॉज कनेक्टेड विद गुरु जी, एंड शी यूज टू गो टू मुंबई आश्रम। आई एम टॉकिंग अबाउट मुंबई, बैक इन इंडिया। तो उन दिनों के दौरान मैं अपनी नेबर से इतना बात नहीं करती थी। आई वॉज नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, बट जब भी मैं उनके घर की तरफ से निकलती थी तो जो सिक्योरिटी विंडो होती है उसमें से, सेफ्टी विंडो जो होती है उसमें से दो आँखें मुझे हमेशा देखती थी, और मैं सोचती थी ये किसकी आँखें हैं दो जो विंडो के अंदर से पीप करती रहती हैं हमेशा। एट लीस्ट आई न्यू दैट वॉज गुरु जीज मतलब उनका स्वरूप पड़ा हुआ था वहाँ पे। ओके, व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर, आई डिडंट वांट टू गो थ्रू इन बिटवीन थिंग्स। व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर दैट टाइम आई रियलाइज, अच्छा ये गुरु जी का स्वरूप है जो हमेशा देखता रहता था मुझे। तो मैंने गुरु जी के बारे में जाना उनसे कि गुरु जी कौन है, एंड देन आई गॉट कनेक्टेड। मतलब फिल्मी था मेरा बड़ा कनेक्शन गुरु जी के साथ में। तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे मिरेकल्स हुए, छोटी छोटी चीज़ों में मिरेकल्स होते थे गुरुजी के साथ में। द मेजर मिरेकल हैपेंड ड्यूरिंग आई एक्चुअली गॉट अ जॉब एंड आई हैड टू गो टू मूव टू दुबई, एंड आई वाज वर्किंग इन दुबई। आई थिंक 6 या 7 महीने के बाद वहाँ मतलब कोविड हो गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड आई गॉट स्टक, एंड माई सन वॉज इन बॉम्बे, माई मॉम वॉज इन बॉम्बे, माई डैड वॉज इन दिल्ली, एंड आई यूज टू कीप क्वेश्चनिंग हिम। लकीली इन दुबई आई वॉज विद गुरुजी संगत एंड माई जर्नी वॉज ब्यूटिफुल, बट हमेशा हर सत्संग में मेरा एक अंदर से कंप्लेंट रहता था, आपने मुझे यहाँ पर क्यों रोक दिया है। एंड आई वॉज अर्निंग वेरी गुड, आई हैड अ गुड पोजिशन देयर, बट कहीं ना कहीं अंदर पीस नहीं था क्योंकि मेरा बच्चा अकेला था वहाँ पर। अकेला मतलब मेरी मॉम के साथ में था, एंड आई एम अ सिंगल पेरेंट जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। सो मैं ये सोच रही थी कि मेरा बच्चा अकेला हो गया है और गुरु जी मुझे वापस नहीं भेज रहे हैं। लीस्ट आई न्यू कि वो जो साल मैंने वहाँ पे काम किया है, ऑफकोर्स विदाउट एनी टैक्सेस, इट्स अ टैक्स फ्री कंट्री, वो पैसा मुझे कहाँ काम आने वाला है। सो व्हेन आई केम बैक टू इंडिया, आई थिंक फॉर अ ईयर आई डिड नॉट वर्क बिकॉज आई टोल्ड गुरुजी आई डोंट वांट टू वर्क एनी मोर, आई वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन। एंड आई गॉट इनटू फिजिकल एंड द फिटनेस थिंग, द फिटनेस पार्ट ऑफ इट, आई एम ऑलवेज वेरी, आई यूज टू बी वेरी पैशनेट अबाउट, आई एम पैशनेट अबाउट वेरी about fitness, so I started my own yoga studio. But फिर कोविड की 2021 में फिर जो आप लोगों को मालूम है जो लहर आई थी, मेरे मॉम डैड को कोविड हो गया था एंड दे वर रियली बैडली अफेक्टेड। माई मॉम्स लंग वॉज डैमेज लाइक ऑलमोस्ट 80% डैमेज, एंड द प्रॉब्लम वॉज आई वॉज इन बॉम्बे, माई मॉम एंड डैड वर इन दिल्ली, माई ब्रदर वॉज इन US, हम सारे अलग अलग थे। आप ट्रैवल भी नहीं कर सकते थे क्योंकि आप लोगों को मालूम है एयर देर वॉज नो फ्लाइंग, देर वॉज नथिंग, यू कॉन्ट मूव आउट ऑफ योर स्टेट। सम हाउ आई मैनेज एंड आई टोल्ड मॉम, गुरुजी की इतनी कृपा थी कि जो केमिस्ट थे वो भी हमें ऐसे मिल गए थे जो गुरुजी के ही थे फॉलोअर्स, और उन्होंने बोला कि जो भी दवाइयाँ चाहिए होगी फ़ोन पे वो ले लेते थे। अब देने में आसमी की पैसा कैसे भेजोगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, एंड आई वॉज ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर दैट। एंड खाना भी उनके पास, सिंस आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि हमारी जॉइंट फैमिली है दिल्ली में, बट स्टिल इट्स लाइक फ्लोर वाइज डिवाइडेड है। तो माई मॉम नेवर वॉन्टेड कि मेरे चाचा ऊपर आके उन्हें खाना दें क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, उनको भी किसी को हो जाए कोविड तो सारे ही यू नो कोविड जिन सबको हो जाएगा। बट देन सम हाउ वी मैनेज एंड मॉम एंड डैड गॉट देयर टेस्ट डन, और उस टेस्ट के दौरान मेरे मॉम डैड की रिपोर्ट स्विच हो गई बिकॉज नाम जैसे मॉम को बुलाया कि आपका टेस्ट करना है, बट माई डैड को बुलाया, आई एम सॉरी, सो डैड डिडंट गो बिकॉज डैड इज सो, आई मीन ही इज स्टिल ही सो स्केयर ऑफ ऑल दी स्कैनिंग्स एंड एवरीथिंग, उनको लगता है कि उनका हार्ट फेल हो जाएगा अगर वो स्कैनिंग कुछ करवाएंगे तो। सो दे कॉल्ड हिज नेम बट माई मॉम वेंट, शी सेड मैं जाती हूँ उसके बाद आप चले जाइएगा। सो दिस इज हाउ द रिपोर्ट गॉट यू नो चेंज्ड।
So us report ke accordingly, my dad was badly affected by COVID and mom is not. So koi situation, kuch aisa situation ban gaya ki doctor ne jisko bhi reports dikha rahe the, unhone bola ki ek ya do din mein to unko hospital mein jana hi padega. And wo dauran mein hospitals bhi, you know, ki koi jagah nahi thi available. And we lost so many people during those days ki main itna dar chuki thi ki ab main kya karun. But somehow actually mom and dad bhi bahut himmat haar gaye the, itne weak ho gaye the ki na wo khana khate the, jab khana nahi khate the to dawai bhi nahi kha pate the. I told mom and dad, aapko kaise bhi karna padega, you have to do it. I don't know how you will do it, I don't care about it, but just have it. They used to cry on the phone ki nahi ho raha hamare se. I said nahi, aapko karna padega, jaise bhi kare aap kare. Luckily hospital, mere jo neighbors hain, same neighbors jinke through main guruji se connect hui thi, unke friends hain jinke hospital hain aur oxygen manufacturing ke plant hain jo Punjab mein hain. Somehow mujhe wahan pe unke liye bed mil gaya. To night mein mujhe call aata hai hospital se ki aapke mom ki report to ekdam sahi hai, aap sirf dad ko bhej dijiye. I said no, if they will go, both will go, ek jana nahi jayega. So they said okay fine. So समा पानीपत से टैक्सी बुलवाया, कैसे वो आया मुझे नहीं मालूम, कैब कैसे पहुंची दिल्ली तक, प्रोटेस्ट चल रहा था फार्मर्स का, वो कैसे कहाँ से घुमा के कैसे लेके आया. माय मॉम इज़ लाइक मैं उतर भी नहीं पाऊंगी. आई एम लाइक वी आर स्टेइंग ऑन लाइक थर्ड फ्लोर, दो वो तीन फ्लोर की बिल्डिंग है, कुतुब मीनार के जैसे हमारी स्टेयर्स हैं. हो गया ना, उनके पास कुछ होल्डिंग का उस टाइम था. तो शीशन मैं उतरूँगी कैसे, ऐसे जैसे भी उतरो बैठ के उतरो सीढ़ियों से, पट जाना है हॉस्पिटल. मैं क्या लेके जाऊंगी वहाँ पे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कपड़े भी पैक नहीं कर सकती, मेरी इतनी भी हालत नहीं है. ऐसे वो सब देख लेंगे, आप बस जाओ. समाउ दे मैनेज्ड एंड दे रीच्ड हॉस्पिटल, एंड द मिनट दे रीच्ड हॉस्पिटल माय मॉम कोलैप्स्ड, बिकॉज उनको ऑलमोस्ट 105 बुखार हो गया था तब तक. बाय द टाइम शी वाज लाइक 105 फीवर. लीस्ट वी, दैट वाज द टाइम वी गॉट टू नो कि इस रिपोर्ट स्विच हुई है. बुखार सबसे ज़्यादा माई मॉम वॉज फेसिंग द होल थिंग, एंड आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट विद दैम. डॉक्टर्स मुझे कुछ बता नहीं रहे, इन स्पाइट ऑफ नोइंग द डॉक्टर्स. आई वॉज सो फॉर्चुनेट कि आपको पता है कोविड के टाइम पे तो आप किसी से मिल भी नहीं सकते थे हॉस्पिटल जाके, या फोन मिलना बहुत दूर की बात है, फ़ोन पे भी नहीं बात कर सकते थे. बट विद दैम दे गॉट द रूम जहाँ पे मेरे डैड मुझसे फ़ोन पे बात कर पा रहे थे. ही वॉज इन अ गुड स्टेट कि वो एटलीस्ट मुझसे बात कर पा रहे थे. लेकिन मॉम के बारे में वो कुछ बता ही नहीं रहे थे. And I was getting so agitated ki na, the whole idea was I was under obligation ki main kisi ke through hospital gayi hu, so I could not even scream at them. Then I decided that I have to go to Punjab anyhow. I reached Punjab and hospital mein pahunchi. I donned that whole thing ki mujhe apne parents se milna hai. Doctor was saying no. I said no, I have to meet them. If you will not let them meet me or let me meet them, main yahan pe baith jaungi, main koi khana wana nahi khaungi, I will just sit here doing nothing here. You have to meet me, I have to go up. So I somehow I managed and I convinced him. Main mom dad ke paas pahunchi, my mom started crying, looking at me ki why did you come, you have a son, agar kuch ho jayega to hum to chale jayenge, tumko bhi kuch ho jayega. I said agar mere maa baap hospital mein, main ghar pe nahi baith sakti aise without knowing ki unke sath kya ho raha hai. But anyways, she was fine. Mujhe guruji ka swaroop kaise bhi wahan pahunchana tha. मैंने गुरुजी को वहाँ पे बिठाया. आई जस्ट टोल्ड हिम, आई सेड मैं तो नहीं रह सकती लेकिन आप तो रह सकते हो. देन समाउ शी कन्विंस्ड, माय डैड इज़ फॉलोअर ऑफ आनंदपुर तो वो थोड़ा गुरुजी को इतना मानते नहीं है, बट ही सेड ओके फाइन. मैंने गुरुजी को वहाँ पे बिठाया और मैं दो तीन दिन वहाँ रह सकी. इन द मीन टाइम माई सिस्टर इन लॉ लॉस्ट हर मदर, एक्चुअली उनको भी सेम इशू था कोविड का. आई केम बैक फ्रॉम चंडीगढ़ आफ्टर नोइंग दैट exactly after second day of my, you know, guruji ko wahan le jane ke baad she started passing those blood lumps in her, you know, urine, so that unka clottings khatam hote ja rahe the and she revived again. She was wo bina oxygen ke to uth bhi nahi pa rahi thi, washroom tak nahi ja pa rahi thi, khana to bahut dur ki baat tha. And this was the I don't have the words for that miracle, but yeah, my mom and dad got back. I got them back to Bombay because Delhi mein again wo seedhiyan chadhna unke liye bahut mushkil tha since they were very weak. So I got them to Bombay, they were fine, and then they went back again. And in the meantime my dad managed to fracture his leg again.
बिकॉज वो बोन्स इतने फ्रजाइल हो चुके थे आफ्टर कोविड दैट सिंस उन्होंने इतना खाया भी नहीं था दे वर वीक एनी वेज दैट वॉज ऑल्सो ओके ही टुक केयर ऑफ हिम ऑल्सो एवरीथिंग इज फाइन एवरीथिंग इज गोइंग फाइन आई मीन एज आई सेड मिरेकल्स एवरी डे कीप्स हैपनिंग आई गॉट बैक टू ओके दैट दुबई मनी आई यूज फॉर माई डैड एंड मम्स हॉस्पिटल थिंग विच आई मीन लोगों के पास पैसा नहीं था और मेरे पास कैश पड़ा हुआ था आई कुड जस्ट गिव इट टू द हॉस्पिटल विदाउट थिंकिंग कि पैसा कहाँ से आएगा कैसे मैं अपने पेरेंट्स के लिए कर पाऊँगी बिकॉज व्हेन आई वाज इन द हॉस्पिटल दे वर सेइंग कि आपको अपने डैड को नहीं लेके आना चाहिए था इट्स एक्स्ट्रा मनी आई एम सॉरी गुरु जी बट आई सेड ऐसे पैसे पर लाना था अगर अपने माँ बाप को ना कुछ कर सके मदद नहीं कर सके आई सेड दैट्स ओके लेट हिम स्टे हियर आई हैव नो प्रॉब्लम this time this was my satsang the major satsang happened this time when I was in India in January I had to go back there for my paperwork so I was with my dad my mom was here because my son is alone here he's studying here only so I told mom aap idhar hi raho main dad ke paas jaati hu this is how we manage she comes here and I go and meet my dad I don't leave my dad alone like I don't let him stay alone so I went back there and I was just going through his medications and he was taking 3 pills of blood pressure. I said, why are you taking 3 blood pressure medicines? He said, wo doctor ne bola tha. I said, haan, par doctor ne koi reason hoga bolne ka, ye 3 tarah ke blood pressures kyun chal rahe hain yahan pe. So he said, I said, last kab karwaya tha test? So he said, 2 saal pehle. I said, 2 saal pehle aapka blood pressure, his blood pressure rises up to 210 straight away. So I said, I have to get it checked again. He was not ready because he said, "Maine insurance. My mom and I used to work for Air India. In Air India, ke perks mein sirf medical facilities aati hain and no pensions. And since it has been privatized, toh wo bhi chali gayi hain. So he was skeptical in getting all the tests done because there is no medical. He said, "Nahi, ab toh koi medical facility nahi hai." And I was just looking at him. I said, "You mean to say if there is no medical facility, you will not get your checkups done?" He said, no, it's okay. No, you don't worry about that. Wo cashless hota tha. I said, ye main de rahi hun. Aap samajhna, aapka cashless hai. So he said, somehow we managed to get his test done. Test almost took like 10 days for all his tests done and everything. So in that test, it came that he has 80% blockage or 85% blockage, I'm sorry. The left artery and the right artery is almost getting 60%, block. The blockage is happening. I was just wondering, I said, 85% blockage and you didn't even realize ever? So this was a private hospital and this is the same hospital where we lost a lot of our people and I hate this hospital somehow. So I said, I'm not relying on this report. I got his test done again, which again said the same thing. I was so shattered. My dad is the kind of person who's very sensitive. Wo itna dar gaya ki 85% blockage ho gaya hai. आई थॉट ये डर ही उनको कहीं हार्ट अटैक ना दे दे कि इतना मेरा ब्लॉकेज है एंड देन सम आर मॉम्स वन ऑफ मॉम्स नोन पर्सन इन यूनियन एयर इंडिया यूनियन टोल्ड अस दैट ही नोज समबडी एज अ कार्डियोलॉजिस्ट लाइक अ बिग कार्डियोलॉजिस्ट बट दैट्स अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल आई सेड आई हैव नो प्रॉब्लम आई थिंक आई वुड बी बिलीविंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल मोर दैन द प्राइवेट हॉस्पिटल्स So, and in the meantime, my chacha said he also knows the head of medicines and if people who are from Delhi must be knowing Ram Manohar Lohia Hospital. So he said he knows the head. I said, okay. We took all the reports to the head of the medicines and he said, aapko kuch karane ki zarurat nahi hai. Everything is fine. And I was, before coming there, I was just thinking in my mind, I was talking to Guruji. I was telling Guruji, kuch aisa ho jaye ki koi mujhe bole aake, inko kuch nahi hai. Everything is fine. Least I knew that, doctor sir mujhe yehi batayenge. So I told my dad, I said, let's go to Bangla Sahib. Since we can't go to Guruji's ashram, at least let's go to Bangla Sahib and just pay our gratitude ki, you don't have anything. He said, nahi, wapas, let's go back home. I said, no. We have to say thank you since it's nearby. So we went there. By the time we just did our, all the things. We got a call again back from Ram Manohar Lohia Hospital where this cardiologist, we had an appointment with this cardiologist also, the second doctor. So I told dad, I said, let's go. It's just a matter of a couple of minutes. We'll just go there. We wanted to have langar in Bangla Sahib, so that still had some time. So he said, okay, fine. We went there and the minute he saw the reports and he said, inko to karana padega angiography. And I'm like,
दो मिनट पहले किसी ने बोला नहीं करवाना है, करवाना है, नहीं करवाना है, अब अगेन करवाना है. वी जस्ट लॉस्ट इट. एंड माई डैड्स फेस हैड दैट, यू नो, ही गॉट सो स्केयर्ड. आई कुड सी दैट ऑन हिज फेस. ही वाज जस्ट होल्डिंग माई हैंड सो टाइट. आई वाज टेलिंग माई डैड, नथिंग विल हैपन, डोंट वरी, लेट्स सी. सो आई वाज जस्ट टॉकिंग टू डॉक्टर. ही सेड, अगर रात को कुछ हो जाता है, रात को अगर इनको अटैक आ जाता है, वॉट विल यू डू? एंड आई वॉज जस्ट लुकिंग एट द डॉक्टर. आई सेड, वॉट यू वॉन्ट मी टू डू? आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई डोंट नो वॉट टू डू. सो माई डैड वॉज सिटिंग आउटसाइड. ही वॉज नॉट इन एनी, you know, in a positive thing ki mujhe karwana hai. He just wanted to hear from my mouth that no, we'll not do it. I told doctor, I said, no, we'll not do it. I think we'll wait for a week, let's see, maybe next Wednesday. Like, it was a Wednesday. I said next Wednesday or Thursday I'll come and we'll think about it. He said, okay, as per your wish. I went out. I was just helping my dad to, you know, to put on his shoes because he was having backache. So I don't know what happened. I just went back to the doctor and I said, aap kar dijiye. He said, नहीं करना, आप उनको इमोशनली पहले स्ट्रॉन्ग कर दीजिए. आई सेड, उनको नहीं होना, मुझे स्ट्रॉन्ग होना है. आई सेड, उनका कर देना, बताना मत, कुछ भी मत, जस्ट गेट इट डन. इफ यू थिंक यू हैव टू पुट स्टेंट, जस्ट पुट इट, दैट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट. ही सेड, ओके, फाइन. एंड ही जस्ट टुक माई डैड इनसाइड, उनको एनेस्थीसिया दिया. एंड ही जस्ट कॉल्ड मी इनसाइड आफ्टर 5 मिनट्स. Somebody came out of the theater, operation theater, and he said, who's with Mr. Ramesh Takwani? And I said, I am there. He said, just come inside. Doctor is calling you inside. That was the hardest door I had ever opened in my life. I could not just go inside. I went inside and doctor said, leke jaiye inko. I said, what do you mean by that? I asked him thrice. I could see on his face that he was about to say, are you deaf? I said, kya karna hai? He said, leke jaiye inko, kuch nahi hai. There is no blockage, absolutely no blockage. He said, just see his heart. He showed me on the screen. I said, I can't see his heart. He said, no, somebody told me that you are a yoga trainer. I said, even if I would have been a cardiologist, I can't see my dad's heart. I said, I can't see. He just said, just take him, he's just fine. I mean, for me, it's a miracle, because my brother, who's a doctor in BLK, he could not believe that. He said, the reports which have come from our hospital cannot be wrong. I said, whoever is that, I know my guru is very strong. He will make sure that my dad is fine. I don't know how much I must have thanked Guruji for that. I told Guruji, मैं ये सत्संग तभी शेयर करूँगी जिस दिन आप मुझे इतनी हिम्मत दोगे कि मैं खड़े होकर रोऊँ ना सबके सामने. So after, I mean, of course, the COVID thing, I'm sharing it after 3 years, and this one also, I just made my mind so strong that I will not cry. I don't want to cry because I know it was a challenge and we got through it. And doctor was amazed himself. So this was my actually a biggest miracle, because लास्ट जब मैं ये शेयर करना चाहती थी तो एक आंटी, मुझे आंटी जी का नाम नहीं मालूम है, उन्होंने सत्संग शेयर किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि पेरेंट्स से बड़ा कोई नहीं होता, जितनी आप पेरेंट्स की सेवा कर सकते हैं उतनी करिए. एंड फॉर मी इट वाज अ, आई थिंक इट वाज एन अपॉर्चुनिटी विच ही गेव मी टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स. दैट्स ऑल. थैंक यू गुरु जी. शुक्रान गुरु जी. थैंक यू सर.